हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एग्जाम एकदम सर पर आ गया है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप प्रेशर में रह रहे हो, लेकिन प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। इसको एक रेगुलर प्रोसेस की तरह समझा जाए। अटेंटिव रहने की जरूरत है, फोकस्ड रहने की जरूरत है, अपने एंड्योरेंस को बढ़ाते रहिए और अच्छे से खाइए पिए, अपना हेल्थ अच्छा रखिए। जो 67th बीपीएससी मेंस है वो सर पे आ चुका है, हमारे पास बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा है। समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए, टाइम टू वैल्यू रेशियो देखिए कि किस टॉपिक को पढ़ने से मुझे कितना फायदा होने वाला है, ये सब बेहद जरूरी है। स्वागत है आपका पीसीएस सारथी चैनल में और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67th बीपीएससी का जो मेन्स है उसका क्रैश कोर्स। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दलित मूवमेंट के बारे में। ये टॉपिक जो है कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग वेज में पूछा गया है, और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं, उनका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर बिहार में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कास्ट बेस्ड सेंसस, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, या फिर इस तरीके से जो दलित मूवमेंट्स वगैरह पूछ लिए गए। ये जो दलित अपराइजिंग है ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर हम मतलब कि अर्ली वैदिक पीरियड को देखें, उस समय से ही हमने देखा कि किस तरीके से एक वर्ण सिस्टम डेवलप हो गया। शुरुआती दिनों में वर्ण जो था वो बेस्ड था ऑन प्रोफेशन, लेकिन आगे चल के ये चीजें हायरार्की में आगे चल के क्या देखते हैं कि ये एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाती हैं और वो कह लें कि वंशानुगत हो जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती हैं और इस तरीके से वो एक सोशल ऑर्डर का ऐसा रूप ले लेती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, जटिल रूप ले लेती हैं और समाज में बहुत तरीके की कुरूतियां डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि अप्रिशियता, अनटचेबिलिटी और भी बहुत कुछ जो है जो कि बहुत बुरे शेप में आ चुका था। तो समय समय पर रिफॉर्मर्स जो है, रिवाइवलिस्ट हैं, वो आते हैं, अपना अपना जो है बात जो है वो रखते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने कहा कि ये गलत है, ये खत्म होना चाहिए। आप बहुतों के नाम बता सकते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध हुए या फिर वर्धमान महावीर हुए, उस दौर में उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी। आगे चल के हम देखते हैं जैसे जो रेन रहता है ज्योतिबा फुले का, या संत रविदास हुए, बहुत सारे सूफी संतों ने भी समानता की बात की। और आजादी के जस्ट पहले के भारत में जो दो सबसे बड़े नाम आएंगे उसमें एक महात्मा गांधी का और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। ये आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, सोसाइटी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है और यहाँ पर आजाद हो जा रहा है जब भारत, तो एक ये पहलू है। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि केवल आजादी मतलब गोरों से मिल जाए ये काफी नहीं है, जो सोसाइटी में इस तरीके की कुरूतियां हैं ये भी पैरेलली खत्म होनी चाहिए, तभी आजादी का असली मकसद है। तो बिहार के रिस्पेक्ट में हम लोग आज दलित आंदोलन को समझेंगे, दलित मूवमेंट इन बिहार। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये, जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन की प्रोसेस नहीं है और इस मूवमेंट में मासेज जो है वो हमेशा समाज के जो सबसे कह लें कि डाउन ट्रोडन मासेज हैं वही पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि उनके हक की बात है, उन्हें जो सोसाइटी में इक्वालिटी मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा था, ठीक है। और उनको कई बेसिस पर भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। क्या क्या ग्राउंड्स है, जैसे कुछ है जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, या उन्हें ऐसे कैटेगराइज कर दिए कि अनटचेबल्स है, डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल्ड कास्ट है। हालांकि शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब हो गया कि संविधान में जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है, अनुसूचित किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट जो है उसको वर्ड को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया जो कि सही नहीं था। और
जो एक सोसाइटी में या पोस्ट वैदिक एरिया से जो एक चला आ रहा एक ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्डर था, उसको तोड़ने के लिए ही दलित मूवमेंट जो है वो एक्शन में आता है, रोल में आता है। बहुत सारे लोगों ने इस पर किताबें लिखी, जैसे इसमें पेरियार का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी अपने तरीके से लोगों को अवेक करने की कोशिश की, उन्होंने तो गॉड के एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चंस उठाए हैं। और जो सोसाइटी में जो कह सकते हैं कि कई तरीके के जो सोशल ऑर्डर्स बने हुए थे, ओल्ड ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर्स, हेट्रोडॉक्स नहीं थे, जो काफी ऑर्थोडॉक्स थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कास्टिज्म, अनसाइंटिफिक और इरेशनल जो रिलीजियस बिलीव्स थे लोगों के, और जो हम बहुत तरीके के देखते हैं कि एक दासता वाली चीज थी, सर्विट्यूड थी, कस्टमरी थी, वो जो कह रहे हैं कि जैसे कि देवदासी वगैरह का कंसेप्ट या कुछ भी, समाज में बहुत तरीके की समस्याएं थी, या फिर बेगारी किसी से करा रहे हैं, बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एक उसी टाइप का माइंडसेट था जो कि काफी ऑर्थोडॉक्स था, और जो पहले से कहें कि वेल एस्टेब्लिश्ड एक सोशल ऑर्डर था उसको खत्म नहीं होने देना चाह रहा था, और उसी के विरोध में ये पूरा जो है पूरा दलित मूवमेंट एक अच्छा शेप लेता है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन अभी भी ये 100% अपने टारगेट्स को अचीव नहीं किया है, दिस इज हार्श रियलिटी। तो ये अब इस बीच में क्या होता है कि बहुत तरीके के चेंजेज होते हैं, और जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आ जाता है, जब हमारे यहाँ कह सकते हैं कि कॉलोनियल रूल रहता है, औपनिवेशिक जो शासन होती है, तो वो शुरू में क्या है कि हिंदुइज्म में या यहाँ के लोगों में, यहाँ के कस्टमरी लॉज में वो इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन जो 1857 का रिवोल्ट होता है उसके बाद वो अपने को थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं, ओके। लेकिन हम देखते हैं कि इनके आने से जब शिक्षा दीक्षा शुरू होती है नए स्तर की, साइंटिफिक टेम्परामेंट टाइप की चीजें होती हैं, तो सोसाइटी में एक तरीके का चेंज आ रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो था, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने रीडिफाइन किया और रिवाइटलाइज किया इसके स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर चीजें हम बदलते हुए देख रहे थे, लेकिन उसका जो पेस है ना वो बहुत स्लो था, इस बात को भी मानना होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जब लोग पढ़े, यहाँ के लोग जब जाते हैं विदेशों में, वहां सोसाइटी को देखते हैं, तो समझ पाते हैं कि क्या जरूरत है, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन एक थ्योरी में ही कास्ट फ्री सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो चर्चे में आ चुका था एक बार, कि एक ऐसा समाज हो जहां कोई जाति नहीं हो, सभी समान हो, कोई किसी को छुआछूत के नजर से ना देखता हो, इस तरीके से, ओके। और जो आगे चल के हमारे संविधान में भी ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले भी हम देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं, यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी समान हैं। एक तरीके की अगर एक तरीके का अगर कोई क्राइम किया है तो उसको एक तरीके की सजा होगी, उसका कोडिफिकेशन किया गया। नहीं तो इससे पहले क्या था कि अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की सजा थी। तो वो जो चीज है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, और देखते हैं कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एस्टेब्लिश प्रिंसिपल हो जाता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। अब हम लोग लॉर्ड मैकॉले को कई बेसिस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो एंटी हिंदू था, एंटी इंडिया था, यहाँ के स्क्रिप्चर्स से वो प्रभावित हो गया था और नहीं चाहता था कि यहाँ के लोग अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के और महान बने, वो सारी चीजें एक तरफ है। लेकिन जो उसने रातों रात तब्दील कर दिया, चेंजेस कर दिए, इस तरीके के कोडिफिकेशन किए जहां पर कि सभी लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इतने कम समय में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और इस बात को अभी बहुत सारे लोग एक्नॉलेज करते हैं। और ब्रिटिशर्स के समय में ही ऐसा दिखने लगा था
कि अगर किसी जॉब या किसी पोस्ट पर किसी व्यक्ति को होल्ड करना है तो उसके एकेडमिक्स को देखा जा रहा था, उसके टैलेंट को देखा जा रहा था, और वहां पर बीच में उसका कास्ट, क्रीड, ये सब नहीं आ रहा था। तो इस तरीके के चेंजेज हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो उनकी पॉलिसी थी कि जो वो सोसाइटी में किसी भी तरीके का अपने स्तर से चेंजेज नहीं चाह रहे थे, वो ये हो गया कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी में नजर आ रहा है अप्रिशियता, उस पर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं और प्री एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को वो तब्दील नहीं कर रहे थे। ये जो उनका एक प्रिंसिपल आ गया था 1857 के विद्रोह के बाद कि हमें सोसाइटी में इंटरफेयर नहीं करना है, वो नहीं कर रहे थे। और जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो यहाँ पर हम खासकर हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो यहाँ पर उनको गवर्न किया जा रहा था धर्मास्त्र से, और इसको कंट्रोल करने वाले जो भी सोसाइटी के कास्ट थे वो कह लें कि कास्ट ऑर्डर में काफी प्रिविलेज पोजीशन पर थे। और यहाँ पर उस समय बहुत तरीके की राइटिंग्स वगैरह शुरू हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से लोग जब विदेश जाते हैं तो उनके देखने का नजरिया बदलता है, और यहाँ पर कई तरीके की थ्योरी जो है वो काफी प्रबल होने लगती है कि आर्यंस कौन है, नॉन आर्यंस कौन है, द्रविड़ियन कौन है, यहाँ के ओरिजिनल कौन है या मूल निवासी कौन है, माइग्रेंट कौन है, फेयर स्किन्ड और या फिर टोंड, ये सब जो है अब काफी चर्चे में रहने लगा था। ठीक है, और इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑफिशियल लेजिटिमेसी जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आधिकारिक वैधता मिलता है जब इसके बेसिस पर कास्ट मतलब सेंसस होता है 1901 का। ठीक है, यहां पर जो भी कास्ट है उनको अलग अलग लोग मतलब कि काउंट किया जा रहा है, सभी जातियों की गणना करने के और जातियों के पदानुक्रम में उनके स्थान को दर्ज करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो समझिए यहाँ पर कास्ट को तो काउंट किया जा रहा है और उसको पद मतलब हायरार्की ऑफ कास्ट के ऑर्डर पर अरेंज करने की बात की जा रही है 1901 में, जब 20वीं सदी की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉलेंट्री कास्ट एसोसिएशन जो है वो इमर्ज होते हैं और ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरीके के कास्ट एसोसिएशन जो है इवॉल्व होते हैं, जैसे शुरू के दौर में हम देखें कि इंडिया में हमें जैसे कि जमींदार्स का एसोसिएशन वगैरह दिखा, और अभी चल के आप देखिएगा तो आपको कई सारे होर्डिंग्स और बोर्ड वगैरह रोड पे नजर आते हैं जो कि कास्ट बेस्ड होते हैं, कई सारे ऐसे ग्रुपिंग्स आपको सोशल मीडिया पर भी नजर आ जाएंगे। तो इनकी शुरुआत जो है उस दौर में हो चुकी थी। तो जो कह सकते हैं कि जो गोल था, जो टारगेट था, वो शिफ्ट हो चुका था सेक्रेट से सेकुलर की तरफ। इस बात को आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं, देयर गोल शिफ्टेड फ्रॉम सेक्रेट टू सेकुलर वन। एंड यहां पर उनका एक ही मकसद है कि वो अपने कास्ट के लोगों को एडुकेट करें, अपने मेंबर्स को एडुकेट करें, और इस तरीके से अपनी जो पकड़ है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बढ़ा सके, अपने पैठ को बढ़ा सके, अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सके, तभी उनकी भलाई हो सकती है। और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक पॉलिसी इनिशिएट करती है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का, ये वर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब धीरे धीरे दिखने का ये सब शुरुआत हो जाता है कि स्पेशल स्कूल्स एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, या रिजर्वेशन वगैरह का जो कंसेप्ट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो कि किसी खास क्लास से आते हैं या किसी खास क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि इस तरीके से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हमें एक रुख देखने को मिलता है। ठीक है, और जो 1919 में जो हम कहते हैं मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं, उस समय जो ये एक्ट है 1919 का, यहां पर नॉमिनेशंस होते हैं
और यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, जो आगे चल के कॉम्युनल अवार्ड और फिर देश को बांटने का ही काम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं 1932 वगैरह जाते जाते ये बात अलग से हो गई थी कि यहाँ पर जो समाज का डाउन प्रोडेंट सेक्शन है उसके वॉयस को हर्ड किया जाना चाहिए, उसके वॉयस को सुना जाना चाहिए। और इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का एक बड़ा नाम जो है उस समय तक हो चुका था कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे दलित वर्ग को। और इन्हीं सारे मेजर्स के बदौलत हम देखते हैं कि यहां पर जो सोसाइटी में एक चेंज देखने को मिलता है, एक सेंस ऑफ प्राउड जो है वो डेवलप होने लगता है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक रिलेटिवली ग्रेटर डिस्पर्सल होता है वेल्थ का और पावर का अक्रॉस कास्ट लाइंस, कि जो पावर जो वेल्थ लिमिटेड हैंड्स में कन्फाइंड था अब वो पसरा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, ये अब सबको दिख रहा था। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो रिवोल्ट्स वगैरह हुए जैसे कि या रेवोल्यूशंस है, इसमें अब कास्ट ब्लॉक का चर्चा आता है कि इस वाले रिवोल्ट में क्या फलाने कास्ट ब्लॉक ने सपोर्ट किया था, इस तरीके से। तो जाति द्वारा निर्धारित स्थिति और जाति अप्रासंगिक भूमिकाओं के बीच अब बड़ी विसंगतियां थी, और इस सीमित सामाजिक गतिशीलता ने कई विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। कहने का मतलब है कि एक था कि इस कास्ट का यही काम है, ये वही काम करेगा, ठीक है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है अब इसमें चेंजेज नजर आने लगा। अब वो आदमी कुछ और कर रहा है, हो सकता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके कहीं डॉक्टर बन गया, कहीं इंजीनियर बन गया, और पहले से मान लेते हैं कि उसका कोई खास पेशा है, मैं ऐसा कोई भी पेशा का नाम नहीं लूंगा। तो यहां पर ये सब चेंजेज नजर आ रहे थे। अब वेस्टर्नाइजेशन यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिम से ये प्रभावित होकर पश्चिमीकरण इसका हो गया, या फिर संस्कृताइजेशन एक वर्ड यूज किया जाता है, और कह सकते हैं कि ये सारे जो थ्योरीज थे ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और इन सारी सरकमस्टांसेस के बीच में हम देखते हैं कि दलित का एक्सप्लॉइटेशन नहीं रुकता है, इन पर शोषण जो है वो होता रहता है। दलित सोसाइटीज में भी लिमिटेड लोग थे जो कि दलित अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, या उनका अपना सोशल स्टेटस जो है वो अच्छा थोड़ा हो गया था, लेकिन जो सामाजिक कुरूतियां हैं वो बढ़ते हुए भी नजर आ रही थी। एक कह सकते हैं कि काउंटर के तौर पर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और लगने लगा था कभी कभी ऐसा कि समाज जो है ऐसे बढ़ने की वजह से की जगह ऐसे बढ़ रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में इसी के विरुद्ध में दलित मूवमेंट्स दिखते हैं, और बिहार भी उसका एक हिस्सा होता है। तो यहां पर जब बिहार में दलित मूवमेंट की बात करें तो ये थोड़ा लेट से शुरू होता है, रिलेटिवली लेट है, यानी कि वेस्टर्न और साउथ इंडिया जो है वहां पर दलित मूवमेंट वगैरह जो है पहले शुरू होता है। जैसे उसमें आप ईवी रामास्वामी नायगर का नाम देखते हैं जिन्हें पेरियार कहते हैं, या फिर वहां पर जो भी और नैयर विद्रोह वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो है बिहार में भी इस तरीके के वॉयस जो है वो नजर आने लगते हैं थ्रू कास्ट एसोसिएशंस। लेकिन यहां पर जो बिहार की दलित समाज थी वो कांग्रेस के साथ थी, और उनको एक कांग्रेस से बहुत ज्यादा होप थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और उनको एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला मतलब कह ले कि सीन था। और इस पीरियड में बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उसमें चनवा मतलब कहने का मतलब भोजपुर के रहने वाले बाबू जगजीवन राम, इसी तरीके से जगलाल चौधरी, इन्होंने बहुत अच्छा खासा इफर्ट लगाया, और इन्होंने कांग्रेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी कहले की लगाने की कोशिश की, व्हाट दे कंसीडर्ड लेजिटिमेट एंड रीजनेबल डिमांड्स ऑफ दलित्स, कि उन्होंने जो लेजिटिमेट और रीजनेबल डिमांड्स दलित के थे उनको एक्सिक्यूट करना चाहा, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर प्रेशर भी लगाया।
तो यहाँ पर बाबू जगजीवन राम का और जगलाल चौधरी जी का नाम इंपॉर्टेंट है। और उनका मानना था कि जो कांग्रेस है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, और यहां पर अगर कुछ भी चेंजेज होते हैं तो उसमें कांग्रेस का एक सक्रिय योगदान होना चाहिए, कांग्रेस खुद को अछूता नहीं रख सकती है इस चीज से। और किसी भी तरीके का दलित अपलिफ्टमेंट या फिर इस तरीके के मूवमेंट्स को अगर शेप देने की जरूरत है तो वो पॉसिबल है अगर यहाँ पर कांग्रेस और ये जो भी डिफरेंट कास्ट दलित कास्ट के जो ग्रुप्स वगैरह हैं ये यूनिटी दिखाए, ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर और यहाँ पर काम करने का कोशिश करें। और एक अच्छा नियत होना चाहिए, एक वेल इंटेंशन होना चाहिए, और यहाँ पर जो नेशनल लीडर्स हैं उनका भी एक सही योगदान होना चाहिए, भले ही वो समाज के किसी भी कास्ट से आते हो, लेकिन जो गलत है उस गलत के खिलाफ बोलने की ताकत रखते हो, इस तरीके से लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पर रोल जो है जगजीवन राम का और जगलाल चौधरी का ये इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में मतलब इन दोनों व्यक्तियों के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से देखना होगा, क्योंकि बिहार में यही दोनों व्यक्ति जो हैं इम्पोर्टेंट फेस हैं। जैसे बिहार में बाबू जगजीवन राम जो इमर्ज होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर फ्रॉम खेत मजदूर सभा और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग 1935 की, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो काफी ग्रामीण परिवेश में हुई थी, आरा में पले बढ़े। फिर लेकिन इनको हमेशा से आगे बढ़ना था और समाज में जो गलती थी उस बात को ये बोलने का हिम्मत रखते थे। और इनके साथ बहुत तरीके के रिकॉर्ड्स भी हैं, उसमें से एक ये भी है कि लगातार 50 वर्षों तक दुनिया में कोई भी पार्लियामेंटेरियन नहीं रहा है एक्सेप्ट बाबू जगजीवन राम, ठीक है। और ये जो कांग्रेस के अंतर्गत ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी या जो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके के ग्रुप्स थे, उनका सीधा मकसद था कि इक्वालिटी अटेंड किया जाए और अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। अब ये सारी बातें आप कहिए कि अभी तो हमारे संविधान में है, लेकिन सोचिए उस समय इस तरीके के रिटेन रिकॉर्ड्स भी नहीं है, कोई व्यक्ति जो है ये एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है कि यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप समझिए कैसा सिचुएशन है, और उस समय इन लोगों ने अपने बहुत तरीके के सार्थक प्रयासों को पुट किया है, ओके। और 1935 की ही बात है कि जो सेशन होता है हिंदू महासभा का, जिन्होंने डिमांड किया कि जो टेंपल एंट्री है वो शुरू हो जानी चाहिए और पानी पीने का जो व्यवस्था है वो भी होना चाहिए कि कुआं से पानी निकाल के पी सकते हैं दलित भी, ठीक है। तो सोचिए कि ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि टेम्पल कोई भी नहीं जा सकता है, और आज का भी जो दौर है अभी भी अखबारों में ऐसे खबरें आ जाती हैं कि किसी दलित युवक के द्वारा अगर टेम्पल में एंट्री ली गई तो कुछ लोगों ने उसे जान से मार दिया। इतना बड़ा हीनियस क्राइम कोई कैसे कर सकता है, जो आज हो रहा है ये उस समय कितना ज्यादा प्रबल होगा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में महात्मा गांधी जी का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नजर आता है और वो इन चीजों को काफी अच्छे से प्रमोट कर रहे थे। आगे चल के जब बाबू जगजीवन राम ये इलेक्ट होते हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 1937 में, तो यहां पर जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे उनके द्वारा हम देखते हैं कि उनके हेल्प से वो ऑर्गेनाइज करते हैं गोपालगढ़ इन बिहार टू फाइट फॉर देयर राइट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर हायर वेजेज। तो यहाँ पर इनका एक जो कह लें कि कनेक्शन आपको देखने को मिलता है वो मजदूर और किसानों के साथ मिलता है। जब आप एंसर लिखते हैं किसान आंदोलन वगैरह पर, किसानों के संघर्ष पर, मजदूरों के संघर्ष पर, तो उसमें उनके लीडरशिप में आप बाबू जगजीवन राम का भी जिक्र कर सकते हैं। और उस समय ये मतलब कि डेली वेजेस बढ़ाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, और यहाँ पर आइडियोलॉजी वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे इन्हीं चीजों के बीच में कि सोशल ऑर्डर को कैसे रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और उन्होंने संत रविदास को हिंदू धर्म के भीतर एक विशिष्ट दलित धार्मिक पहचान के अवतार के रूप में सम्मानित किया, ओके।
और जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा संविधान फ्रेम हो रहा होता है तो उन्होंने एडवोकेट किया था राइट्स ऑफ दलित्स और उन्होंने आर्ग्यू किया था अफर्मेटिव एक्शन बेस्ड ऑन कास्ट जो भी इलेक्टेड बॉडीज हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, यानी कि संविधान सभा में उन्होंने दलितों के अधिकारों की वकालत की और जाति के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए तर्क दिया। तो इनका इस तरीके से एक रोल रहा, लोगों को मोबिलाइज करने में भी रोल रहा, साथ ही साथ जब संविधान वगैरह लिखा जा रहा है तो उसमें जो राइट्स हैं, जो दलितों का अधिकार होना चाहिए, समानता होना चाहिए, अपरिष्यता का नाश होना चाहिए, उन चीजों पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं प्रकाश डाला। और इस तरीके से इनका जो रोल है वो अपने आप में बहुत खास है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जगलाल चौधरी जी की। तो ये एक इम्पोर्टेंट दलित लीडर हुए और पॉलिटिशियन हुए बिहार से, और इनका जो हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक और डायमेंशन पर काम किया, महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत कुछ इफर्ट्स लगाए हैं और यहाँ पर एक दलितों की मुक्ति के लिए या कह लें एजुकेशन के लिए या लैंड रिफॉर्म्स पर इन्होंने बहुत ज्यादा इफर्ट लगाए हैं, कई डायमेंशंस में ये काम कर रहे थे। और ये कह सकते हैं कि सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होते हैं 1937 में अलोंग विथ बाबू जगजीवन राम, और ये मिनिस्टर बनते हैं इंचार्ज ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एक्साइज अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए ये कार्य कर रहे थे और अपने कार्यकाल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोहिबिशन इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहां पर अब ये कास्ट सिस्टम वगैरह को खत्म करने के लिए एक्टिवली और डायरेक्टली काम कर रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और एडवोकेट कर रहे थे, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स को भी। और यहाँ पर लैंड सीलिंग ऑफ 3 acres पर फैमिली, यानी इनका जो अप्रोच था आप कहें तो काफी सोशलिस्ट टाइप का अप्रोच था, या इनका मानना था कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ नहीं होना चाहिए, और इन चीजों को भी आप दलित मूवमेंट के साथ कनेक्ट करते हुए देख सकते हैं। जब महात्मा गांधी जी के लीडरशिप की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, तो हरिजन आंदोलन जो है इसका जिक्र आता है, हरिजन आंदोलन ऑफ महात्मा गांधी, और ये बिहार में कैसे इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा ये भी जरूरी है। देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा दलित के लिए एक वर्ड यूज किया गया था हरिजन। हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग, यानी भगवान के जन, जिनका कोई नहीं उनका भगवान, इस तरीके की बात महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। हालांकि आगे चल के इस शब्दावली का प्रयोग जो है वो छूट दिया जाता है, क्योंकि सभी जो भी इस धरती पर पैदा हुए हैं सभी तो भगवान के ही जन हैं, सभी हरिजन हैं, अलग से इस तरीके से कोई वर्ड यूज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है ये 1932 में एस्टेब्लिश की जाती है। आप यहां पर देखिए, उसके कुछ समय पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो अपने तरीके से कास्ट मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं, और महात्मा गांधी का भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके तहत वो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाते हैं। और यहां पर महात्मा गांधी जी एक यात्रा शुरू करते हैं जिस यात्रा का नाम है हरिजन यात्रा। बिहार में वो आते हैं 1934 के अप्रैल और मई महीने में, और बिहार में 1934 के दौर में एक मैसिव अर्थक्वेक आता है, और यहां पर महात्मा गांधी जी भूकंप की प्राकृतिक आपदा और अनटचेबिलिटी यानी जो अपरिष्यता है कि सामाजिक आपदा को जोड़ के दिखाते हैं, कनेक्ट करते हैं कि दोनों कैसे एक ही तरीके से हैं, दोनों कैसे घातक हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार में जो भूकंप आया है, हमारे द्वारा जो महान पाप किया गया है उसकी एक दिव्य ताड़ना है, कि जो हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी एक दिव्य ताड़ना है, और अभी भी उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्हें हम अछूत बताते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चीजों को देखा, बताया।
अगर आपने मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन, तो वहां पर एक बहुत अच्छा पिक्चर में एक हिस्सा दिखाया गया है, जहां पर कि अखबारों में छपता है कि छुआछूत जो है वो खत्म हो गया है, सरकार कानून बना दी है, अब कोई छुआछूत नहीं कर सकता है। और वहां पर जो मांझी एक बच्चा जो है जो कि बड़ा हो रहा होता है, वो जाके अपने लैंडलॉर्ड से ऐसे गले लग जाता है कि अब तो छुआछूत खत्म हो गई है, जिस पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मैं इस सीन का जिक्र बस इस वजह से कर रहा हूं कि आप समझ सकें कि समाज बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन उसका धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शहरों में इसका कुछ असर दिख सकता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आजादी के बाद के भारत में भी अपरिश्यता वगैरह जो थी वो हार्श रियलिटी थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस डिकेड्स में हम देखते हैं कि दलित लीडर्स जो थे कांग्रेस में और जनता पार्टी में, वो पावर में आते हैं, उन्हें सत्ता में पोजीशन मिलती है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कास्ट के और कम्युनिटीज के। बाबू जगजीवन राम जो हैं, जो कि लेबर मिनिस्टर बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और लेबर एक्ट जो है वो पास किया जाता है जहां पर मिनिमम वेज वगैरह तय किया जाता है, ये दलित मूवमेंट में ही कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है। और उनके द्वारा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना की गई, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ऑफ डाउनट्रोडन पीपल। और ये बैकवर्ड क्लासेज, बैकवर्ड जो समाज का जो पिछड़ा अंश है उसके उत्थान के लिए, उसके हित में ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन। तो ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ बिहार में और इंपॉर्टेंट दलित लीडर्स हुए, जैसे कि भोला पासवान शास्त्री जो कि चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, राम सुंदर दास, और ये ग्रास रूट लेवल से उठते हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और शास्त्री जी हुए या फिर राम सुंदर दास, ये दोनों के दोनों मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है कि दलित लीडर्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था और ये उस कैपेसिटी में रहते हुए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन आगे चल के नक्सलवाद जो है ये बढ़ने लगता है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लैंडलेस पिजेट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें से मैक्सिमम जो थे वो दलित थे। और ये चीज 1980s में फिर से एक बार दिखती है, एक सोसाइटी में एक रिफ्ट तैयार हो जाता है लैंडलेस और लैंड ओनर्स के बीच में। लैंडलेस जो कि अब कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट से जुड़ चुके थे, और अब यहां पर बैड शेप लेता है कास्टिज्म, जब लोग जाति के आधार पर एक दूसरे का नरसंहार कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो कास्ट और सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है, इसके वजह से मार्जिनलाइजेशन जो है वो शुरू होता है। मतलब यहां पर समझने वाली बात है कि अब जो समाज है अब बदल रहा था, और वायलेंस किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर वायलेंस जो है वो आ जाता है रोल में और चीजें अब खराब होने लगती हैं। देखते हैं कि बिहार दलित डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बिहार दलित विकास समिति जो कहते हैं, इसकी स्थापना की जाती है जो कनक नील के द्वारा 1982 में, कनाइकिल में के द्वारा 1982 में, और इनके द्वारा कुछ काम किया गया कि विलेज लेवल पर मोबिलाइजेशन किया गया दलित मेन और दलित वुमेन का, और साथ ही साथ एक कहते हैं कि एकजुटता का निर्माण करने का कोशिश किया गया, सॉलिडेरिटी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की गई। और यहां पर इंपावर करने का एक ही मकसद तरीका है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट किया जाए और इकोनॉमी में उन्हें जोड़ा जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हो, और इस तरीके से एलिमिनेट करने में इनका एक योगदान रहा। लेकिन अब यहां पर आपको आकलन करना है कि हम कहां खड़े हैं। क्या अभी हमें आर्टिकल 15 जैसे मूवीज नहीं नजर आ रहे हैं? क्या ऐसे मूवीज नहीं बन रहे हैं? और वो मूवीज क्या बताते हैं, ये सोचने का आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। तो
महात्मा गांधी जी का ही मानना था कि कास्ट बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन उसमें कुरूतियां नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी भी इस बात को मानते थे कहीं ना कहीं, और ये रॉन्ग होगा हम एक ऐसे सोसाइटी का इमेजिनेशन करें जो बेस्ड होगा कास्ट पे, रिलीजन पे, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, दलित, माइनॉरिटी, इस तरीके के वर्ड्स पर नहीं बेस्ड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स दिखे हैं जबकि दलित वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। यहां पर कभी कभी तो लगता है कि जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो भी नहीं फॉलो हो रहा है, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। और इन चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि बहुत ही गलत हुआ है समाज में, अभी भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो दलित वर्ग से ही आते हैं, समाज के सभी वर्गों से आते हैं और वो दलित उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे नामों में महात्मा गांधी का, भीमराव अम्बेडकर साहब का, बाबा जगजीवन राम का नाम है, हम बात कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, सभी का अपना अपना रोल रहा है, किसी के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता है। राजा राम मोहन रॉय हुए, ज्योतिबा फुले हुए, ओके। अब यहां पर जब पॉलिटिसाइजेशन होने लगता है तो रिजर्वेशन, इंप्लॉयमेंट वगैरह की बात होती है, लेकिन उससे लिमिटेड लोगों को फायदा होता है। दलित में भी जो मिडिल और अपर क्लास दलित होते हैं उन्हें ही ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस अपॉर्चुनिटी का वो लाभ उठाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे अभी भी वंचित वर्ग है जो कि रिजर्वेशन का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। और उसी समय बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं और वो कहीं ना कहीं खुद को दलित सोसाइटी से अटैच करके देखते हैं। और ये सब की शुरुआत उसी समय होती है जब नक्सल मूवमेंट की शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो फेज है सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स का बिहार में, तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में जो ये ग्रेट लीडर्स रहे हैं, अपने संगठन बनाने की क्षमता को उन्होंने दिखाया, उसको एक अच्छा स्थान दिया और बड़ी पार्टियां जो है बेहतर तरीके से इसकी सौदेबाजी की बातचीत की। मतलब कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं फिर एक इंडिविजुअल के गेन पर ही रह जाता है। पार्टियां बनती हैं बड़ी बड़ी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टारगेट्स को अचीव करने के लिए बनती हैं, लेकिन फिर वो एक दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाती हैं, उनको एक सीट मिल जाता है, रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, अच्छा बंगला गाड़ी घर मिल जाता है। और यहाँ देखने को मिलता है कि दलित वर्ग से ही उठा हुआ एक व्यक्ति अपने ही समाज के लोगों को फिर वापस पीछे छोड़ देता है। दिस इज हार्श रियलिटी समाज की। तो इसका जो आकलन है आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ हमने अचीव किया है, लेकिन हमें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। यहाँ पर एक चेतना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर समाज के सभी लोग पढ़ जाएंगे तो यहाँ पर उत्थान संभव है। गवर्नमेंट जो है वो अपना एफर्ट लगाती है सभी को क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज इम्पार्ट करने से सोशल स्टेटस जो है सबका बेहतर हो सकता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिहार को और नेशन एज ए होल को आगे ले जाएंगी। तो फिर हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।